एनएफसी हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन 2022 में आज़ाद ग्रुप के उम्मीदवार रियाज हुसैन फारूकी, जिनका इंतखाबी निशान छतरी है, उनके मद्दे मुकाबिल एनएफसी मुत्तहदा ग्रुप और एनएफसी फ्रेंड वेलविशर ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन के मौके पर आज़ाद उम्मीदवार रियाज हुसैन फारूकी ने सिटी वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा नाम रियाज हुसैन फारूकी, एनएफसी से मैं बहुत 20 साल से वाबस्ता हूँ। मैं एनएफसी को काफ़ी अरसे से बिज़नेस भी करता रहा हूँ, बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की यहाँ पे। जब एनएफसी फेज टू लॉन्च हुआ था तब से मैं इसको प्रेजेंट भी करता आया हूँ। अभी क्योंकि पहले तो हमारे इलेक्शन इधर ओपन थे ही नहीं, नॉन एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको इजाज़त नहीं थी इलेक्शन कंटेस्ट करने की। अभी इनको इन्होंने इजाज़त दी तो फिर मैंने फैसला लिया कि क्यों ना अगर मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ तो मैं अपने दोस्तों की एनएफसी की खिदमत मुझे करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों का ना फुकदान है। बहुत सारे दोस्त जो हैं ना वो एक तो काम को काम समझते हैं और जो समझते हैं वो शायद उनको मौका ही नहीं मिलता काम करने का। मेरे दोस्तों ने मेरे साथ मशवरा किया, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया और मैंने कुछ दिन सोचा, फिर मैंने कहा चले इंशाल्लाह अगर मौका मिल रहा है तो मैं ये खिदमत इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। तो इंशाल्लाह मैं एनएफसी फ़ेज़ वन, एनएफसी फ़ेज़ टू उसके लिए जो बेहतर कर सका इंशाल्लाह यकीनन मैं करूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी है, मुझे डेवलपमेंट का भी है, मार्केटिंग का भी है और बाकी इंशाल्लाह जो दोस्त मेरे से उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह यकीनन उनको वो मेरी कोशिश और मेरी वर्किंग से मुतमिन रहेंगे मेरे अल्लाह ने चाहा तो। फेज़ वन के तो आप अभी शायद आपने देखा ही होगा कि रोड भी टूटे हुए हैं, सीवरेज का प्रॉब्लम है और सिक्योरिटी का इशू बना हुआ है। इंशाल्लाह अगर हम विन करके, मैं विन करके आता हूं क्योंकि मैं आज़ाद उम्मीदवार हूं, एनएफसी फ़ेज़ टू की सीट से मैं कंटेस्ट कर रहा हूं, तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर कोशिश करूंगा और टाइम भी दूंगा कि जो है ना इसकी डेवलपमेंट रोड्स स्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, सीवरेज के निज़ाम को सही किया जाए, वाटर सप्लाई में प्रॉब्लम है वो ठीक किए जाएँ और सबसे बड़ी बात कि आपका सिक्योरिटी सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए। अगर एजीएम हुई तो उसमें मेरी जो सबसे प्रायोरिटी होगी ना वो एक तो ओपन इलेक्शन की होगी कि हम ओपन इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि जितने हमारे दोस्त हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उनको भी मौका मिले और वो हमारे कंधे के साथ कंधा मिला के अच्छा परफॉर्म करें और आके इसकी डेवलपमेंट करें और फेज़ वन के लिए बेहतर जो भी कर सकते हैं आके करें।